हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक हेडलाइंस हिंदी में। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये जो है एक आसान तरीका भी है और एक तरह से सेफ तरीका भी है। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास नेट नहीं हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास नेट भी हो और वो नेट स्लो काम कर तो दोस्तों उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्व बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना इंटरनेट के ऑफलाइन पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि बिना नेट के ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे पैसा किया जाता है तो इस वीडियो को बिना स्किप के आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपने फ़ोन के डायलर पैड ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है *99#। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना UPI पिन सेट करना है। इसके लिए आपको अपना बैंक नेम टाइप करना होगा। इसके अलावा अगर आप बैंक नेम नहीं टाइप करना चाहते तो यहाँ पर आपको अपना IFC कोड का फर्स्ट 4 लेटर यहाँ पर टाइप करना होगा। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पे अपना बैंक नेम टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका UPI पिन सेट हो। यहाँ पे अब आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको अपना UPI पिन डालना है। ये जो UPI पिन होगा, अपने गूगल पे या फ़ोनपे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें जो UPI पिन यूज़ करते हैं, आपको उसी UPI पिन को यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डालना है और यहाँ पर सेंड करना है। जैसे ही दोस्तों आप सेंड करेंगे, यहाँ पे आपका बैलेंस जो है शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस पर किसी को पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे अपना डायलर पैड ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है *99#। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड करेंगे। जैसे ही आप सेंड करेंगे, इसके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपको सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन, UPI पिन, कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपके यहाँ पे आपको बैंक का नाम भी देखने को मिल जाएगा, आपका अकाउंट जिस बैंक में है। तो यहाँ पर आपको सेंड मनी करने के लिए यहाँ पर आपको एक नंबर में सेंड मनी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक टाइप करना है और यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप मोबाइल नंबर से सेंड करना चाहते हैं, UPI ID से सेंड करना चाहते हैं, या आपने जो बेनिफिशियरी सेव किया है आप उसको सेंड करना चाहते हैं, या आप किसी अकाउंट नंबर पे सेंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर से सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर में है तो हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका IFC कोड यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। आपको IFC कोड सेंड करने के बाद फिर से आपको जिस भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इंटर ए रिमार्क। अगर आप कोई रिमार्क यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिमार्क डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी रिमार्क डालना चाहते हैं रिमार्क डालेंगे और यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और IFC कोड, आपने जितना अमाउंट डाला है आपको टोटल यहाँ पे शो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल डिटेल जो यहाँ पे सही से देख लेना है। उसके बाद अगर सही है तो यहाँ पे आपको अपना UPI पिन डाल के सेंड कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अपना UPI पिन डाल के यहाँ पे सेंड करेंगे, आपका पैसा जो है यहाँ पे सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पैसा है यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेफ कॉन्टैक्ट का, एग्जिट का। यहाँ से अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सेफ कॉन्टैक्ट में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप करके सेंड करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं आपको ये नाम डालना है और सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी नाम डाला होगा उस नाम से ये कॉन्टैक्ट जो है सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप ऑफलाइन बिना इंटरनेट के कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे।
Bounce.